श्री यादव जिंदाबाद, मृत्युंजय भाई जिंदाबाद। बिहार के तमाम जिलों से आए हुए हमारे वार्ड सचिव, सभी भाइयों बहनों, आपके इस कड़ाके की ठंड में जो आपने संकल्प लिया है इस सरकार के अत्याचार अन्याय के खिलाफ अपना वाजिब हक लेने की लड़ाई जो आपने ठानी है, इसका परिणाम, इसका फलाफल सुखद होगा। आप अपना धैर्य बनाए रखें और जिस तरह से आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी खुद चलकर आप लोगों के समर्थन में यहां आए थे और उन्होंने हमारी पार्टी का समर्थन आप लोगों के साथ है, आपकी जायज मांगे हैं। 4 वर्षों तक काम लेने के बाद सरकार ने जिस तरह से 13 दिसंबर को एक पत्र निर्गत करके आपकी सेवा को समाप्त कर दिया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इस अन्याय के खिलाफ आप डटे रहिए, आपके साथ न्याय होकर रहेगा और पूरा विपक्ष आपके साथ है। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हम ये समझ सकते हैं कि आपका आंदोलन इस कड़ाके की ठंड में चलाना कितना कठिन है, लेकिन ये सरकार अपना कैबिनेट बैठक करने के लिए वाल्मीकि नगर जाती है। ऐसो आराम करके वहाँ जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया जाता है, लेकिन आप लोगों को राशि देने के लिए, मानदेय देने के लिए सरकार कहती है आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि राशि नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बिहार गरीब प्रदेश है इसलिए बिहार का विकास नहीं हो पाया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आपसे मुलाकात करने नहीं आया है, आपका दुख दर्द पीड़ा सुनने नहीं आया है। ये निकम्मी नकारा सरकार सभी बीमारियों की एक ही दवाई है, मित्रों भाइयों बहनों, एक ही दवाई है सभी बीमारी की। इस सरकार की विदाई ही सबसे बड़ी दवाई है और वो होकर रहेगा। ताबूत में अंतिम कील आपका ये जो आंदोलन है, आपने जो ठाना है, यही सरकार के लिए साबित होगा। हम सरकार से आग्रह करने आए हैं, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अविलंब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी हठ धर्मिता छोड़िए, सरकार अपनी जिद छोड़े और ये माताओं बहनों भाइयों जो कड़ाके की ठंड में अपनी जायज मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, उनकी मांग पूरी कीजिए, अविलंब पूरी कीजिए, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और इस आंदोलन के साथ ही हम आपके साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपने देखा कि आज किसान आंदोलन जिस तरह से किसान भाइयों ने ठान लिया तो सरकार को झुकना पड़ा। हर जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है, जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरकर रहेगी। मित्रों, आप अपने आंदोलन पर, अपनी मांगों पर अडिग रहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको निकाल नहीं सकता है। और ये जो 13 दिसंबर को पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों ने ये पत्र निकाला है, इस पत्र को जलाकर फेंक दीजिए, अपनी मांगों पर अड़े रहिए, आपका वाजिब हक आपको मिलेगा, चाहे सरकार इसके लिए देर सवेर, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं इस ठंड में आपको अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हम जानते हैं, आपको भी पता है कि बिना आंदोलन के उनका किसी को भी उसका वाजिब हक नहीं मिलता है। और ये सरकार तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से अत्याचार और अन्याय कर रही है, सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है, सत्ता का अहंकार चकनाचूर जनता कर देती है। जनता ने सत्ता का अहंकार चकनाचूर कर ही दिया था, लेकिन आप लोगों ने भी
आशीर्वाद दिया था बिहार की 12 करोड़ जनता ने, जिस सरकार को बनाने के लिए जो जिन नेता का तेजस्वी यादव जी का संकल्प था, एक ही मंत्र था कि पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन जनादेश का अपहरण करने वाली सरकार आज सत्ता में बैठी है और सत्ता में बैठे लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली गलौज की भाषा कर रहा है, कोई किसी का जीवा काट रहा है, कोई अपने ही माननीय मंत्री को, अपने ही पार्टी के विधायक उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये लूट है, कहीं शराब जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। आपका सुध लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, हिम्मत का पतवार पकड़ कर, हिम्मत का पतवार पकड़ जो निर्भय नैया खेता है, उधर ही पार करता है वही जो मौजों पर भी गाता है। आप अपना हिम्मत का पतवार मत छोड़िएगा और अपने हिम्मत जिस तरह से आपने दिखाया है, जो जोश और जज्बा दिखाया है, इसे कायम रखिएगा। हम आपके समर्थन में आज आए हैं, अपना समर्थन अपनी पार्टी का समर्थन देने के लिए। और जो भी अत्याचार और अन्याय आपके साथ हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज को और बुलंद करना है। इसलिए आप लोग एक बार जोर से इस संकल्प के साथ नारा लगाइए कि अपनी मांगे लड़कर लेंगे मर कर लेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे लड़कर लेंगे लड़कर लेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे लड़कर लेंगे लड़कर रहेंगे, अपनी मांगे लड़कर लेंगे मर कर लेंगे लड़कर रहेंगे लड़कर रहेंगे, अपनी मांगे लड़कर लेंगे लेंगे मर के लेंगे। नीतीश सरकार खोलो कान, नीतीश सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम, नहीं तो होगा नींद हराम, नहीं तो होगा नींद हराम। नीतीश सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा नींद हराम। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सच्ची आवाज को रोके है, जो सरकार निकम्मी है, जो सच्ची आवाज को रोके सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, अपनी मांगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। वार्ड सचिव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड सचिव हमारे आंदोलनकारी साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों आप घबराइएगा नहीं, आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी। इस आश्वासन के साथ, इस संकल्प के साथ हम आपके धरना स्थल पर इस आश्वासन को देकर जाते हैं। और आपका संकल्प होना चाहिए, जब तक सरकार ने जो ये जुल्म किया है, अन्याय किया है, सरकार जब तक नहीं झुकती है, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, आप यहाँ डटे रहिए, अड़े रहिए। और कोई भी आंदोलन, आप इतिहास उलट कर देख लीजिए, कोई भी आंदोलन बिना संघर्ष तेज किए हुए नहीं सफल होता है। और इस आंदोलन को जरूरत पड़ी तो और संघर्ष तेज होगा। इस संकल्प को लेकर के, आप अपने मांगों को लेकर के, आपकी जायज मांगे हैं, आपका समर्थन हम कर रहे हैं आपकी मांगों का। ये पत्र जो आपने हमें दिया है, इस पत्र को हम आगे बढ़ाएंगे और सरकार से हम आपके धरना स्थल के माध्यम से, आपके माध्यम से मीडिया के सभी साथी हैं, हम अनुरोध करते हैं कि सरकार इस कड़ाके की ठंड में, वार्ड सचिव भाइयों बहनों, हमारी माताएं जिस तरह से कड़ाके की ठंड में, बहुत सारे भाइयों का तबीयत भी खराब हो गया है, इनका ध्यान रखती, इस इन बातों को ध्यान रखते हुए अविलंब सरकार आपकी मांगे पूरी करे और ये धरना समाप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपके इस जज्बे को सैल्यूट करते हैं, इस आंदोलन को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय वार्ड सचिव, जय आंदोलनकारी साथी।
मृत्युंजय तिवारी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मृत्युंजय भाई जिंदाबाद।